हाय, मैं हूं नजम अली एंड यू आर वाचिंग माय वी लॉग चैनल। आज हम क्रिकेट के हवाले से आपको कुछ बातें बताएंगे कि भाई पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में क्या कर रही है, क्या कर रही है और गई क्यों है। मेरी तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की टीम खेलने क्यों जाती है जब उनके पास सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो बैटिंग करने वाले हैं या अच्छे हैं। अब किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि अगर आप मैच देखें तो आपको तासुर तो यही मिलता है कि भाई हमारी टीम जो है माशाल्लाह से क्या गुल खिला रही है। हर मैच जो है वो बहुत बुरी तरह शिकस्त है। वैसे तो पहले तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें मेरे चैनल, और कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें। अगर आपको कोई मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो से या कुछ है तो आप ज़रूर लिखें, और क्या कहते हैं फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी टीम क्या गुल खिला रही है। और जैसा कि पहले भी खिलाती रही, एक तो ये है कि हमारे इमरान खान साहब के बाद कोई भी ऐसा कप्तान नहीं आया जिसकी कोई वैल्यू हो टीम में, क्योंकि पीसीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वो चाहता है कि उसका होल्ड आए और कोई भी ऐसा कप्तान ना आए इमरान खान जैसा, जो कि उनके काम में, उनकी पर्चियों में, उनके रिश्तेदारों को अंदर घुसाने में और बैटिंग में प्रॉब्लम डाले। बैटिंग से मेरा मतलब ग्राउंड की बैटिंग है, वो वाली बैटिंग नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, उनकी बैटिंग में प्रॉब्लम डाले। और माशाल्लाह से बैटिंग तो सभी बहुत अच्छी करते हैं, सारे हमारे बैट्समैन बन गए हैं, और बॉलरों की तादाद कम हो गई जब से इमरान खान गए, क्योंकि इमरान खान की वजह से बैटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी। उसकी वजह यह कि ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर भी बैटिंग होती थी। अब बाहर जब आप रोड पर खेलते तो जाहिर बात है टेनिस बॉल से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड के अंदर खेलते हैं और ट्रफ पिच पे खेलते हैं तो फिर आप कॉक की बॉल इस्तेमाल करते हैं। मकसद ये है कि हार्ड बॉल से खेलते हैं, तो ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की बैटिंग होती है, एक तो वो होती है, फिर कमरों में बैटिंग अलग होती है। कमरों में जो बैटिंग हो रही होती है ना, कि टीवी देख रहे होते हैं इस दफ़ा इसने नो बॉल फेंकी तो 10 लाख रुपये इधर तो 10 लाख रुपये उधर, कुछ लोग कर रहे होते हैं। मैं अपनी टीम को नहीं कह रहा, हमारी टीम तो बहुत अच्छी है, उसके ऊपर कभी इल्ज़ाम ही नहीं लगा। अब जाहिर बात है अगर इल्ज़ाम लग चुका है कोई खिलाड़ियों पर तो बाकी कैसे पारसा हो सकते हैं। सही है ना, अगर एक अंडा गंदा था आपके यहाँ टीम में तो सारे के सारे ही थे उस ज़माने के जितने भी लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ मिसबाहुल हक के ऊपर ज़रा ख़ास ध्यान दें, क्योंकि मिसबाहुल हक साहब जो हैं वो मैच खेलने नहीं गए हैं, वो पसंद और नापसंद के काम करने गए हैं, कि जो पसंदीदा आदमी उसको खिलाएंगे, जो पसंद नहीं है उसको नहीं खिलाएंगे। जिस आदमी ने पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में जितवाया, इनिंग डिफिट से शिकस्त दी, इनिंग से शिकस्त दी इंग्लैंड की टीम को, उस आदमी को आप खिला ही नहीं रहे। इसलिए कि एक दो मैच में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन कैप्टनशिप भी तो अच्छी थी, कीपर भी बेहतरीन था। सिर्फ आप इस वजह से नहीं खिला रहे कि वो आदमी कराची का है, जाहिर बात है कराची का आदमी कहीं ऊपर ना आ जाए, ऊपर तो आपने कराची को आदमी को आने नहीं देना, चाहे वो कायद अजम के बाद उनके रिश्तेदार हों या माइग्रेट करके आए हुए लोग हों जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। क्योंकि हमारी असम्बली में जितने लोग बैठे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान बनाने में, लूटने में ज़रूर है। अगर मेरी बात झूठ लगे, हर हर लीडर जो है आवाम उसके ऊपर शक करती है कि वो लूटता है खाता है, हर बच्चे बच्चे को पता है। किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में चले जाए आपको पता चल जाता है कौन कौन रिश्वत ले रहा है बैठा हुआ, कौन कौन शक्ल से जिसके दाढ़ी होगी नमाज का टीका होगा वही रिश्वत ले रहा होगा। इसलिए कि उसने एक, अब जाहिर बात है एक ईमानदारी की निशानी क्या है और शरीफ शरीफ नज़र आने की निशानी क्या है कि आप दाढ़ी रखें नमाज का टीका हो तो हर आदमी कहता है यार ये तो बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन वो सारा कुछ जो वो यही है कि जितना लूटते हैं उतनी तौबा करते हैं जाके, तो जाहिर पास टीका तो बन ही जाता है, टीका नहीं बनता तो टैटू लगा लेते हैं, वो भी नहीं लगता तो सलाख गर्म करके माथे पे लगा लेते हैं कि देखो जी टीका बन गया। तो अच्छे काम करने से नमाज के टीका होने की ठीक है निशानी है, उसकी वजह यह है कि ज़मीन गर्म होती है, हर सर बार बार रखते हैं तो ब्लैक हो जाते हैं, स्पॉट बन जाता है। लेकिन हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात यह है कि आजकल ग्राउंड के अंदर भी बैटिंग हो रही है, बाहर भी बैटिंग हो रही है, इंग्लैंड के हर रोड पे हर कैसीनो में क्रिकेट पे बैटिंग हो रही है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जाहिर बात टेस्ट सीरीज़ हार गए, वनडे सीरीज़ हार गए, ये 2020 की भी सीरीज़ जो है हम हारने के करीब हैं, और सरफराज को लेकर के मुझे नहीं पता, लेकिन सरफराज को चांस देने से वो डरते हैं कि कहीं उसने अच्छी बैटिंग कर ली तो हमने दोबारा एक कराची के आदमी को टीम में रखना पड़ जाएगा और फिर उसको कप्तान भी बनाना पड़ जाएगा। और सरफराज साहब जो हैं उनको उनको कह 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 के थक गए, भाई अपना खेल खेलो, बैटिंग करो, सही नंबर पे जाओ, बजाय इसके कि तुम
टीम को जितवाने के लिए अपने नंबर पे किसी और प्लेयर को भेज दो और खुद अपने आप को सेफ रखोगे, बाद में जाके तुम संभाल लो। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी आपकी, लेकिन आपको आज तो ये, अब तो आपको पता चल गया होगा कि लोग कहते थे तो सही कहते थे कि भाई जितने भी प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, वो अपने लिए खेलते हैं, अपनी बैटिंग अच्छी रखते हैं ताकि टीम में इन रहें, तो आप भी इसी तरह करें। लेकिन वो किसी तरह नहीं मानने को तैयार थे कि नहीं मैं टीम को जिताऊँगा और कैप्टनशिप ये और वो। तो आपको मिल गया कैप्टनशिप, आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपकी अपनी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। आपने 10-12 मैच जो है जिसमें आपने बैटिंग ही नहीं की जाके और आपने अपना नंबर नीचे करते चले गए, जिसकी वजह से आज आप जो है वो जाहिर बात है वही पुराने लोग आ गए जो आपको 12वें पर ही रखते थे, कभी खिलाते ही नहीं थे। मिसबाह उल हक ग्रुप जो है वही आज भी बैठ गए आके, और इमरान खान जो है उनको तो भाई अगर कोई आदमी किसी आदमी को कहते 4-5 दफ़ा कि इसको निकाल दो तो वो उसको निकालने के बजाय उसको रखे रखते हैं। जैसे उस्मान गुजदार है, उस्मान बुजदार है, पता नहीं क्या है, खैर नाम, सॉरी मैंने इतनी मुश्किल नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि उनको पूरे पाकिस्तान के एंकर, पूरे पाकिस्तान के एंकर, पूरा पाकिस्तान सब कह कह के थक गए भाई निकाल दो निकाल दो निकाल दो। ये बंदा शक्ल से चीफ मिनिस्टर नहीं लगता, लेकिन नहीं निकालेंगे और ना निकालेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। असल में मकसद ये है कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी उनको मिल नहीं रहा, इसलिए कि अगर दूसरा कोई है तो फिर वो मुस्लिम खाफ का है तो फिर वो कैसे उनको रख सकते हैं। जाहिर बात उस्मान गुलजार है, उनसे जो हुक्म देते हैं वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये है कि जो शवाहद और बातें जो आ रही हैं वो उनके खिलाफ ही आ रही हैं। खैर बात ये मैं कर रहा था क्रिकेट की, क्रिकेट के हवाले से ये है कि माशाल्लाह से बैटिंग भी हो रही है, अंदर बाहर दोनों जगह बैटिंग हो रही है, बाहर की बैटिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है, अंदर की बैटिंग भी ख़राब हो गई। क्योंकि जब भी पाकिस्तानी टीम बाहर की बैटिंग अच्छी लगे, ग्राउंड के बाहर बैटिंग अगर अच्छी करे तो अंदर बैटिंग ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, आप मेरी बात खुद समझते हैं, यानी टेनिस बॉल से खेलेंगे तो बैटिंग हार्ड बॉल की बैटिंग तो ख़राब ही हो जाएगी अगर टेनिस से खेलेंगे, या फिर कागज़ में खेलेंगे, या फिर आप क्या कहते हैं प्ले स्टेशन पर खेलेंगे अगर क्रिकेट, तो फिर आपकी आप ग्राउंड की क्रिकेट तो ख़राब हो जाएगी, और ज़ाहिर बात है फील्डिंग भी ख़राब हो जाएगी, स्टैमिना भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ध्यान हर वक्त रहता है कि यार इस दफ़ा हमारी टीम हारेगी तो हमें इतना नोट मिलेगा, ये होगा, क्योंकि नोट तो रुकता नहीं है, नोट तो आने वाला होता है अगर पहले से बिक चुके हैं मुर्गे और मुर्गियाँ, तो यही होता है। खैर कहने का मतलब ये था कि भाई क्या कर रहे हैं हम, यानी हमारे मुल्क के हालात 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि ज़ाहिर बात है चोरों ने अपनी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। आप 18वीं तरमीम असम्बली से इजाज़त लिए बगैर ख़त्म नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस वो भी ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर और फिर सदर राज कैसे आएगा, क्योंकि असम्बली इजाज़त नहीं देंगी। अगर सदर राज की यानी प्रेजिडेंट सिस्टम की इजाज़त अगर देंगी तो फिर असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, असम्बली की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, खाना पीना चोर बाजारी लूट मार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक इतना बड़ा रिश्वत सतानी बेईमानी चोर बाजारी का सिस्टम बना हुआ है कि जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। भाई जो लोग कल तक जो है वो भज्जे के पाए की दुकान के आसपास मफलर डाल के फिर रहे होते थे, वो आज हमारे जो है अन्नदाता बने हुए हैं। तो जाहिर काम तो यही होता है, हमारा BCCB वहाँ चले जाओ, एक भी क्रिकेटर सही जगह नहीं लगा हुआ, बल्कि बाहर के लोग लगे हुए हैं जो कि बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और वो वही लोग हैं जो भज्जे की दुकान से उठ के आए हुए हैं। तो हम क्या किया जा सकते हैं, पाकिस्तान किसी भी इदारे में चले जाएँ भज्जा ज़रूर मिलेगा आपको। ये खैर इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यूरोप के एक शहर में मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से शायद इंटरप्ट कर रही होगी आपको बीच में वॉइस के साथ साथ टप 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 आवाज़ आ रही होगी बारिश की। और बारिशों का ज़माना है, कराची डूब गया है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। कुछ दिन तक तो ड्रामा करते हैं, फिर बारिश रुक जाएगी, पानी सूख जाएगा, सब खामोशी से अपने घर बैठ जाएंगे और फिर अगली बारिश का इंतज़ार करेंगे, और बजट जो बीच में मिलेगा नाली साफ करने के लिए वो हम खा लिया करें। खैर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पर आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि फेसबुक पर अगर यानी लाइव फेसबुक पे मेरी वीडियो को शेयर कर लेंगे तो और लोगों तक भी पहुंचेगी, और ये जली का डिबाचे उन्हें भी पता लगेगा कि शायद हो सकता है भाई इस तरीके से सिस्टम ठीक हो जाए। वैसे अल्लाह ताला नीचे आ जाए तब भी ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ये कि ऊपर से कोई चटान वटान फेंकेगा तभी ये ठीक होगा, वरना नहीं हो सकता। खैर अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और दोबारा अगली वीडियो तक हम ज़रूर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन फेसबुक पर अगर शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच करेंगे, और जिसकी वजह से जो है हम और वीडियो भी बनाएंगे इसी मौजूद में। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।